हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस पर। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ भाषा के क्वेश्चन को भी लगाऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। जो लोग इस वीडियो पे नए हों, जो पिछली क्लास को ना देखे हों, वो प्लेलिस्ट में जाकर अपना पिछला क्लास दे सकते हैं। और आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और आज के सवाल को हम लोग लगाने वाले हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन मिल चुका है, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ है इस प्रकार की। फोर होला फोर अपॉन टू अपॉन थ्री लिखा है, फोर होला टू अपॉन थ्री क्या नाइन है शायद, जी फोर होल ऑफ टू अपॉन नाइन है, प्लस में टू होल ऑफ एट अपॉन नाइन है, प्लस फोर लिखा गया है। ये कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन है। चार सही दो बटा नौ लिखा है, प्लस में दो सही आठ बटा नौ है, प्लस में चार है, इसका मान निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस जो मिश्र भिन्न लिखा गया मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलेंगे। कैसे होगा, नौ चौके छत्तीस, छत्तीस दो कितना बन जाएगा अड़तीस होगा, अड़तीस बटा में नौ लिखा जाएगा, प्लस में नौ दूना अठारह होगा, अठारह आठ कितना हो जाएगा यहाँ पर छब्बीस कर दीजिएगा, बटा में नौ होगा, प्लस में आपका लिखा जाएगा चार। चार के नीचे बटा एक लगा सकते हैं, आपको भिन्न लगाने का तरीका पता होगा, ठीक। फिर आगे क्या हल करेंगे, यहाँ पे नौ नौ और एक का लाशा कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, और फिर यहाँ अगर इनका लाशा नौ, इसका इसका हर नौ है ना, नौ एक कम नौ एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे अड़तीस का अड़तीस ही रह जाएगा। इसी प्रकार नौ का नौ एक कम नौ एक बार जाएगा, एक से छब्बीस गुणा करेंगे छब्बीस ही रहेगा, प्लस में एक नौ या नौ चौके छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। इतना सा बना, इसको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, अंश को जोड़िएगा, यहाँ पर मिलेगा छ, छह बारह और आठ कितना हो जाएगा बीस होगा, यहाँ पर तीन दो पांच, तीन आठ दो दस होगा, तो सौ बटा कितना मिल रहा है नौ। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अंश का और हर का वर्गमूल निकाल लेंगे। अंश का वर्गमूल, अंश क्या है सौ है, सौ वर्गमूल आएगा दस, बट्टा में नौ का कितना होगा तीन, तो दस बट्टा तीन क्या आपका यहाँ का आंसर होगा। फिलहाल अगर इसको चाहो तो इसको हम चाहे में फिर से बदल सकते हैं, कितना लिखा जाएगा तीन सही एक बट्टा तीन, तो तीन तीन नौ एक दस बट्टा तीन, तो आपका तीन सही एक बट्टा तीन मतलब थ्री होला फोर अपॉन थ्री होगा जो आपका राइट आंसर होगा। जो भी आपके ऑप्शन होगा लगा दीजिएगा। जैसे अब अगले सवाल देखेंगे हम लोग, अगले सवाल आपके सामने इसी प्रकार आने वाली है। एक सवाल मैं और लेकर दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखा है फोर है, इसी टाइप का है, फोर अपॉन रूट थ्री लिखा है, माइनस में कहें तो वन अपॉन रूट थ्री लिखा गया है, फिर में प्लस आपको लगा हुआ है, और है सिक्स अपॉन रूट थ्री, सिक्स अपॉन में रूट थ्री, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा वो भी बराबर में ना, यहाँ लगा है रूट में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क रूट में लगा है, हमको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, रूट के साथ नहीं रूट को हटाना पड़ेगा। फिलहाल करते हैं सॉल्व, कैसे हो पाएगा तो देखिएगा। यहाँ पर अगले सवाल में हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बाएं पक्ष को आप हल करिएगा, यहाँ रूट थ्री है, यहाँ रूट थ्री है, यहाँ रूट थ्री है, हर का मान क्या है यहाँ पर सब में समान है, हर का मान तीनों में समान है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हर का समान समान है तो आप हर को एक जगह लिख दीजिएगा, हर का मान समान होने पर आप अंश को हल कर लेंगे, चार में से घटेगा तीन होगा, तीन छह कितना हो जाएगा नौ होगा, नौ बराबर में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा है। एक बार बताएं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे रूट का मान है, रूट हटाने के लिए क्या करेगा, दोनों पक्षों कवर कर देंगे, लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर नौ का वर्ग कितना हो जाएगा इक्यासी होगा, रूट तीन का वर्ग तीन लिखा जाएगा, बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कवर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा और यहाँ पे कर्णी गायब हो जाएगी। आपको क्या मिला, यहाँ पर अगर तीन से चाहो तो आप काट सकते हो, तीन से कितनी बार जाएगा तीन में अच्छा मतलब सत्ताईस कह सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा आपका आएगा 27, तो 27 क्या होगा आपका इस सवाल का आंसर होगा। इस प्रकार से हम सवाल को लगाएंगे। चलिए अगले सवाल देखते हैं, अगले सवाल इसी कड़ी में मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लिखा गया है यहाँ पर रूट एट है और होल पावर वन अपॉन थ्री है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है बट मजा तो आएगा। वन अपॉन थ्री है यहां भी है, और बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरा बंद किया गया है,
भाग लगा है 2 की घात 2 है, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो करेंगे सॉल्व इस सवाल को। इसमें ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन में इस बार लिख रहा हूं, अगर आप लोग चाहो आपके पास पेन और पेपर होगा ही तो आप गेस करिए या फिर आप लगाइए, देखते हैं कैसे लगा पाएंगे आप लोग। और फिर यहां पर मैं क्वेश्चन में अगर लिखूं इसका ऑप्शन तो 3/2 फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है, और 1/4 है, और फिर 1/2 है, और 3/4 है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या 3/2, 1/4, 1/2, 3/4, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए करते हैं सवाल को हल, मिले जो मिला उसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर आपको अगर पिछले क्लास में आप देखे होंगे, पहली क्लास वैसे थी जिसमें हमने बेसिक रूल बताया था कर्णी के बारे में, घात के बारे में, क्या था उसमें सरलीकरण का जो पहला लेक्चर था उसमें आपको सिखाया गया था कि कोई भी घात होगा, कोई भी कर्णी होगी, उसको घात में कैसे बदलते हैं, उसका रूल जो भी था वहां पर डिस्कस किया गया था, उसको हम लोग यहाँ फिर से बताएंगे फिलहाल। लेकिन अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो काफी इंफॉर्मेटिव था, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किया था। तो चलिए करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर √8 to the power 1/3, यहाँ जो √8 है जो कर्णी लगी है वो किसकी रूट है, कौन सा रूट है, वो स्क्वायर का रूट है। यहाँ पर अगर कोई डिजिट लिखा होता है, अगर 3 लिखा होगा समझ जाए क्यूब का रूट है, बट यहाँ पे 2 लिखा होगा समझेंगे स्क्वायर का रूट है, बट कुछ भी ना लिखा हो तब भी स्क्वायर का ही रूट लिखा हम समझा करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पे √8 है, √8 का मतलब क्या होगा, 8 to the power क्या लगा सकते हैं, 1/2 कर दीजिएगा, ये कर्णी थी ना, कर्णी की घात 1/2 हो जाएगा, इंटू में 1/3 पहले से लिखा गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे गुणा में, अच्छा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 8 है, 1/2 power होगा, होल पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, कर्णी की घात 1/2 हमने लिखा यहाँ पर, गुणा में क्या लगा हुआ है, फिर से 8 है। ठीक, और फिर क्या कर देंगे, अच्छा एक काम भी आप कर सकते थे, यहाँ पे गुणा था, आधार समान समान था, घाते क्या करते हैं जोड़ सकते थे, चल जाएगा वो भी बातें ठीक होगी, फिलहाल नहीं कर रहे हैं तब भी चल जाएगा, तब भी कुछ और कर सकते हो, 1/2 होगा और फिर 1/3 आ जाएगा। 1/2 क्यों लग रहा है, क्योंकि कर्णी लगी थी स्क्वायर की, 1/3 हमको दिया गया था, पूरे के साथ बड़े ब्रेक, पूरे को ब्रेक, बड़े ब्रेकर बंद कर दीजिएगा, 2 to the power 4, 2 to the power 2 है मतलब 2 to the power 4 हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर क्या मिलेगा, 8 को हम लोग यहाँ पे 2 को गुणन 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, कैसा होगा, 2 की घात 2 3 कर सकते हैं, 2 2 4 2 8, 2 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या, गुणा में घात में 1/2 है, गुणा में घात में कितना है, 1/3 है, फिर गुणा लगा दीजिएगा, यहाँ पे इसी प्रकार करेंगे, 8 की घात कितना होगा, 8 लिखा था 8 को लिख सकते हैं, 2 की घात 3, घात हम लगा देंगे सबको सही से गुणा में, गुणा में 1/3 हो जाएगा, भागे 4 हो जाएगा पूरे के साथ। ठीक, एक काम करिए, घात में अंश हर कट जाएगा, घात में अंश हर कट जाएगा, यहाँ 2 का √2 है ना, 2 का लगा है √2, यहाँ पर 2 की घात 1/2 है, गुणा में 2 की घात 1/2 है, बाकी सब कट चुका है, पूरे का भाग क्या लगा देंगे 4 के साथ। ठीक, इसको हल करिएगा आप, इसको हल करने पे क्या मिलने वाला है समझते हैं, यहाँ पे 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 है, आधार समान है, घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2 का मतलब 1 होगा, आधा आधा ये है, आधा आधा का मतलब 1 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो, मैं नहीं तो अभी मैं रूट बदल के कर्णी लगाकर तब भी कर सकता हूँ, फिलहाल अभी 2 की घात 1 हो जाएगा, भाग कितना करेंगे 4 से। इसको कैसे लिख सकते हो, बगल में लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर ये साइड में, यहाँ पे 2 होगा, भाग कितना लगाएंगे 4 का, बराबर क्या होगा 1/2। अगर आपके पास कहीं ऑप्शन में 1/2 दिख रहा हो तो आप लगा सकते हैं, आपका उत्तर क्या आने वाला है 1/2। ये रहा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आप सेट कर सकते हैं, 1/2 आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रही है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस प्रकार कुछ सवाल मिलने वाली है हमारे पास, तो आपके सामने सवाल लिखी जा चुकी है, ऑप्शन लिखा गया है, पहला ऑप्शन है 3 है, दूसरा है 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है ना, यहाँ पे इतना ऑप्शन आपको मिला हुआ है, सवाल में इतना दे रखा है ऑप्शन में।
चलिए करते हैं सवाल। इस सवाल को कैसे करने वाले हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जो पूरा पूरी तरह से मतलब कहा जाए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो फिलहाल देखने में तो कोई भी सवाल यहाँ कोई भी ऑप्शन कोई भी मतलब कि अंक नहीं लग रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम कुछ और जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे भाग में तोड़ेंगे जैसे 28, 63, 700, 175, सबको कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे, ऐसा कुछ तोड़ने वाले हैं, आपस में दो गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जिनमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग रहेगी, दूसरी संख्या सब में समान मिलेगी, दूसरी संख्या सब में क्या होगी समान मिलेगी, वो हम यहाँ स्थिति लाने वाले हैं। तो एक काम करिएगा, 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 से 28 हो जाएगा, 4 गुणा 7 कर लीजिएगा, रूट के अंदर ऐसा बन गया, प्लस में यहाँ क्या होगा 63 का मतलब 9, 7, 63 होगा, 9 गुणा 7 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा प्लस में 700 का मतलब 100 गुणा में क्या होगा 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ लगाइए, यहाँ पे कुछ करिए जो 7 को अलग कर सकते हैं, यहाँ पे हर जगह 7 मिला, यहाँ भी 7 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कितना कर पाएंगे, अगर कहा जाए तो 25 से हो जाएगा ना, सही बात है, 25, 7 हो 175 हो जाएगा, 25 गुणा 7 कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे इतना बना गुणा में क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, ठीक, ये आपको ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगा, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप काम करिए, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√7 लिख सकते हैं, प्लस में 9 का क्या हो जाएगा 3, रूट में 7 लिखा जाएगा, प्लस में 100 का मतलब 10 वर्गमूल आएगा, 100√7 हो जाएगा, ठीक, बराबर में 25 का क्या होगा 5, रूट में आएगा 7, गुणा में क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। एक बात बताएं, सब में √7 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन ले ही लीजिए, या फिर काम करें कॉमन ना ले तो क्या करेंगे, देखिए √7 समान है तो सबके गुणांक हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 3, 2, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है और 10 है, मतलब 2, 3, 10 है, 2, 3, 5, 10 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 है रूट में क्या हो जाएगा 7, बराबर क्या होगा 5, रूट में क्या होगा 7 होगा, इंटू में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब देखिए √7 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 बराबर होगा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है 3, तो आपका राइट आंसर होगा 3, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो कि सही होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके सवाल लगेंगे, आप सवाल को बस सहजता से समझते और करते जाइए, आसान सवालें होती है, CITS में जो भी सवाल आती है तो काफी आसान रहा करती है, एक नॉर्मल सवाले आती है, बहुत ज्यादा आप मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की सवालें नहीं आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों को इसी कड़ी में लेकर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है कि अगर मैं कहूं तो लिखा है यहां पर 48 है प्लस 49 है रूट में है प्लस 25 है माइनस √25 लिखा गया है, ठीक, बटा में कुछ फिर लगाया गया है √144 है, माइनस में रूट के अंदर 81 लिखा गया है, बराबर लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको सॉल्व करके क्या लाना है, क्वेश्चन मार्क लाना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालेंगे, ऑप्शन आपके पास मैं दे रहा हूँ 26 लिखा गया ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 25 है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है जो कि 24 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास मिला होगा जो कि 23 लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है, तो चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। तो क्वेश्चन लिखा गया 48 है यहाँ पर, है ना, प्लस 49 है रूट में है, प्लस 25 है माइनस 25 रूट में लिखा गया है, 144 रूट में है, माइनस 81 भी रूट में लिखा गया है, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क का हमको निकालना है इस वैल्यू, और फिर जो ऑप्शन होगा 26 है 25 है 24 23, मतलब कि ये सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या होना है सही होने वाला है। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी बुक में था जो कि नॉन ऑफ दीज था, हो सकता है वो भी आ सकता है कभी कभी, फिलहाल मैंने उसको लिखा नहीं है, आ जाएगा समझ जाएंगे वही होने वाला है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले आप सॉल्व करिएगा, उनको हम हल कर लेंगे जो जो क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो उनका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जो नहीं होंगी वैसे ऐसे तो नहीं है कोई ना हो, सबको यहाँ पे जो दिखा गया है वो सबका सब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो निकालते हैं। ये 48 क्या था, खाली था, इस पे कोई कड़ी नहीं लगी थी, वैसे छोड़ देंगे। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, प्लस में 25 लिखा गया है नॉर्मल सा, यहाँ पे माइनस में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, पूरे का बटा लगाया गया कितना 124 का मतलब 12 होगा वर्गमूल, माइनस में 81 किसका वर्ग है
यहाँ पर 9 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हल, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आराम से, तो हो ही जाएगा। कहें तो यहाँ पर 25 में से 5 घटाएंगे 20 हो जाएगा, 20 सात 27 होगा, और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 सात 15 होने वाला है, और फिर मतलब 4 2 6 7 हो जाएगा, 75 होगा। यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाने पे आपको मिलने वाला है 9 3 12 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, 3 से काटेंगे, 25 3 75 होगा, मतलब आपका क्या होगा उत्तर 25 होगा। तो आपका ये सेकंड होगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, 25 आपका हल है। तो कुछ इस प्रकार से सवाल लगेंगे, सवाल यहाँ पे हम कुछ लगा रहे हैं। अगले सवाल देखते हैं, तो आपके सामने सवाल आ चुकी है, इन सवालों पे हम लोग करने वाले हैं चर्चा। मैं 3 सवाल लिखा है आपके लिए, और कैसे सॉल्व करिएगा देखते हैं। लिखा है कि किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे को उतने ही उपहार दिए जाते हैं जितने की उनकी संख्या थी। फिर समझते हैं, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे को उतने ही उपहार दिए जाते हैं जितने की उनकी संख्या थी। और लिखा है कि यदि उपहारों की संख्या क्या हो जाए 1521 हो, उस पार्टी में कितने बच्चे थे। तो यहाँ बच्चों की संख्या निकालना है। अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में जितने उतने की बात कही जाए, किसी भी सवाल में किसी क्वेश्चन में जितने उतने ना जितना उतना की बात हो, जितने उतने की बात हो, तो आपको लगभग समझ जाना है कि वहां पे वर्ग वर्गमूल का कुछ ना कुछ चक्कर होने वाला है। किसी भी सवाल में जितने उतने की बात की गई हो, तो वहां समझ जाएगा आपको या तो वर्ग करना होगा या तो वर्गमूल करना होगा। फिलहाल निकालना क्या, अगर कुल संख्या दी गई होगा तो आपको वर्गमूल निकालना होगा, अगर आप में कुछ संख्या देकर कुल संख्या निकालना होगा तो आपको वर्ग करना होगा। तो आप समझिए इस सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ पे उपहारों की कुल संख्या जो दी गई है वो 1521 है, इसको बांटा गया है किसमें, बच्चों में। तो बच्चों की संख्या फिलहाल कम होती है, कम होगी, और फिर यहाँ क्या निकालेंगे आप जितना उतना देखकर समझ जाइएगा कि आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1521 का करना होगा वर्गमूल। 1521 का वर्गमूल क्या होगा, अगर आपको निकालना आता होगा, उम्मीद है आता होगा, वजह क्या, मैंने पिछली क्लास में बताया था वर्गमूल को ट्रिक से कैसे निकाल पाएंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको वर्गमूल। वर्गमूल क्या होने वाला है आप समझिएगा, और यहाँ पर क्या कर पाएंगे समझिए। अगर आपको ध्यान हो अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर चुन सके चुन लीजिए, कुछ किसी किसी को क्या लगता है कि मतलब बस कुछ ना कुछ जुगाड़ बता दें जिससे ऑप्शन जल्दी से पा जाए, क्योंकि सवाल लगाने में वक्त लगता है, कुछ सेकंड तो लगेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चुनाव करिए, ऐसे देखिए ऑप्शन क्या है, 51 है, 49 है, 41 है, 39 है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो आप यहाँ पर 1521 का ऐसे कौन संख्या जो 1521 का केवल क्या हो, वर्गमूल आ जाए, 1521 का वर्गमूल निकालिए और इसमें से कौन सी संख्या क्या हो जाए उसके लिए सही हो जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 51 है ना, यहाँ पे चुनिएगा, मैं आपको सबसे मतलब सबसे ज्यादा समय लगाकर सबसे कम समय लगाने की ओर ले जाऊंगा। जैसे आपके पास क्या है, 51 है, 51 के भी पहले क्या आता है, 50 आता है, 50 का वर्ग निकाल सकते हो आसानी से, 50 का वर्ग कितना होगा, 50 का वर्ग 5 25 25 का मतलब क्या कहोगे, 2500 हो जाएगा, सही बात है। अभी बताइए 2500 के आसपास का है क्या, नहीं है, इसका मतलब 51 आपका नहीं होने वाला है। फिर आगे बढ़ जाइए, ये 50 के आसपास का तो ये भी था, 49 भी, इससे भी नहीं होने वाला है, 2500 कहाँ है, तो 1500 ही है। आगे देखते हैं, 41 है ना, 41 का मतलब क्या होगा, 41 के पहले आता है 40 होगा, 40 का वर्ग कितना होता है 1600, ठीक। अब बताइए 1600 से ये कम है ज्यादा है, अगर 1600 ज्यादा होता तो हम समझ जाते क्या 41 का वर्ग होगा, 1600 कम है इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर 3900 होगा। आप 100% श्योर होकर कह दीजिए कि 3900 आपका राइट आंसर होगा, इसका 39 ही आपका राइट आंसर होगा, 39 क्या है, इस 1521 का वर्गमूल है, आपको चेक करना कर लीजिए। फिलहाल अगर आप जुगाड़ देखना चाहते हो, आप अगर सोचना चाहते हो, अपने दिमाग लगाना चाहते हो, ठीक है, सवालों में केवल केवल मतलब कि एक तरीका एक तकनीक लगाना चाहिए, सवाल लगाने का मतलब ये नहीं कि उसको हम हल करें बस पाए तो क्या इसका वर्गमूल निकालना शुरू कर दे, वर्गमूल निकालने में कुछ वक्त लगता है, हो सकता है गलतियां हो जाए, लेकिन अगर अपना दिमाग लगाना सीख जाएंगे और आप तकनीक सीख गए ना, तो मतलब सवाल वाल तो एकदम हवा में उड़ेगी ना, फिर बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं आगे मिलता है आपको, तो इसका मतलब यहाँ 1521 का क्या होने वाला है, वर्गमूल 39 होगा, ठीक। यहाँ पर इसका सही लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो आप पा जाओगे सवाल को जल्दी से। फिलहाल आगे देखते हैं, अगले सवाल हमारे पास क्या होने वाली है।
अगले सवाल लिखी गई है, एक मालिक को प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने को कहा गया जितने की पंक्तियों की जितनी क्यारियों की संख्या है। यदि कुल क्यारी कितनी हो, यहाँ पे क्यारी संख्या दी गई है आपको 37 है, तो वह कितने फूल लगाएगा, एक क्यारी में उतना फूल लगाएगा जितना जितने की क्यारियों की संख्या होगी। क्या कहा है, एक मालिक को प्रत्येक क्यारी में, एक क्यारी में उतने फूल लगाएंगे जितने की क्या होने वाले क्यारियों की संख्या, तो एक क्यारी में उतने फूल लगाएगा जितने क्यारियों की संख्या है। एक क्यारी में कुल क्यारी कितनी है, 37 है, मतलब एक क्यारी में 37 फूल लगाने वाला है, और कितना होने वाले 37 क्यारियां हैं, एक क्यारी में 37 फूल, 37 क्यारियों में 37 गुना हो जाएगा फूल ना, तो क्या होगा 37 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ 37 का जो वर्ग होगा वही आपका होने वाला राइट आंसर। अब 37 का वर्ग कितना होता है, 37 का वर्ग थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना, 37 का वर्ग सोचिए, अब वर्ग यहाँ पर क्या होगा, सब 1300 1300 1300 सब 1300 कैटेगरी में लिखा गया है, ठीक। अब 37 का वर्ग अगर सोचो जुगाड़ लग जाएगा क्या, चेक करिए एक बार, 37 क्या होने वाला, 35 का वर्ग 35 से बड़ा होता है, 35 के वर्ग से बड़ा होगा इसका 37 का भी वर्ग, 35 का वर्ग कितना होगा, 5 25 25 होगा, 3 चौके 12 मतलब 1225 से ज्यादा होने वाला है 37 का, सबका सब तो ज्यादा है, सबका सब ज्यादा है ना, तो कुल मिलाकर डायरेक्टली 37 का वर्ग निकाल लीजिए चुटकी बजा कर, मैंने सिखाया था क्या होगा, अभी दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ पर दिखाता हूँ, 37 का वर्ग होगा, 37 का स्क्वायर क्या होने वाला है, आप करोगे कुछ ऐसा, इकाई का वर्ग 7 का वर्ग 7 57 49 हो जाएगा, है ना, 4 बचेगा, हासिल 7 4 आया, 7 या 21 दूरा 42, 42 4 कितना होगा 46, मिला लो कहीं पर, कहीं कहीं मिल रहा होगा ना 69, ये आ गया आपका राइट आंसर, तो 1300 यहाँ पे 1369 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर 37 का 1369 आएगा, ये लिखा गया यही आपका सही उत्तर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा सवाल का। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारे पास है, कह रहा है कि किसी प्रीति भोज में कुल 3278 लोग थे और कितने लोग और होते, यहाँ लिखा कितने और लोग होते कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाते जितने की पंक्तियां होती। यहाँ पर थोड़ा समझिए, सबसे हटकर हल्की सवाल है, मैं इससे हल्का सा हटी हुई सवाल है, मैं ऊपर को इरेज कर दूंगा, तो ऊपर बताने वाला हूँ, नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ सवाल ने कुछ पूछा है इस प्रकार सवाल की, किसी प्रीत भोज में कुल 3278 लोग थे और फिर वहां पे कह रहे हैं कितने और लोग हो जाए कि क्या हो जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने लोग बैठ जाए जितने की पंक्तियों की संख्या होती। यहाँ पर एक प्रकार से यह कहा गया है कि मतलब कि 3278 है वो उसमें कितना और कर दे, कितना और लगा दे, कितना और जोड़ दे कि क्या हो जाए, वो पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाए, इससे उसका क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाया करे। ऐसे कोई भी पंक्ति या जितने उतने के सवाल में आपको हमेशा क्या मिलता है, जो मिलती है संख्या वो पूर्ण वर्ग हुआ करती है, जबकि यहाँ पर 3278 में कुछ और की कमी है, कुछ और की कमी हो जाए तो प्रत्येक पंक्ति में जितने और उतने की बात हो जाएगी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कब बनेगा, कुछ ऐड करने पर, यहाँ पर कितना कम है कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसको लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका यह भी होता है बहुत बेसिक सा तरीका होता है, इसको शुरुआत में आपने वर्गमूल में पढ़ा जरूर होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाग विरिष्ट वर्गमूल निकाल लीजिए, कैसा होने वाला है, 32 है 78 है, 32 78 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल क्या होने वाला है, आप जोड़ा बनाइएगा, 4 चौके 16 5 25 25 होगा, 5 25 25 कर दीजिएगा, है ना, यहाँ 5 बार ले जाएंगे, यहाँ 25 हुआ, घटाइएगा, घटाने पे कितना मिलेगा, यहाँ पर कहे तो 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ प्लस में आप 5 ऐड भी कर देते हैं, 5 5 आ जाएगा 10, और फिर 78 फिर से आ जाएगा, नई संख्या उतर गई, कितनी बार जा सकता है, अगर जाए तो 8 बार जाएगा ना, 8 बार जाना चाहिए संभवतः, 7 बार जाएगा, 7 बार ले आते हैं, 7 1 7 उतरेगा, यहाँ 7 49 आएगा, और फिर 7 1 7 आएगा, 7 49 7 का 0 हो जाएगा, 4 आएगा, 7 1 7 होगा, इतना सा बन चुका है। यहाँ पर अगर कहा जाए कितना और कर दें, यहाँ पर कितना और करने की मतलब क्या होने वाला समझिएगा, यही पर आपको थोड़ा सा समझना है, अगर यहाँ पर कितना और, अगर आपको जोड़ने की बात कहा गया हो, कितना और लगाएं, कितना और आदमी आए, कितना और लोग आए, इसका मतलब जोड़ने की बात कहे, कितना और जोड़ना है ना, तो लोगों को और कितना जोड़ने, यहाँ अगर आपको जोड़ने की बात किया गया हो, आपको मतलब जोड़ने की बात करें, यहाँ पर इसका मतलब यह होने वाला कि इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐड करने की बात कही जाएगी तो आप यहाँ पे जितना आपके पास क्षमता है उससे ज्यादा अंक तक ले जाएंगे, यहाँ पर आपको 57 तक की क्षमता थी, आप क्या करोगे 58 अंक ले जाओगे, कैसे होने वाला दिखा रहा होगा, थोड़ा सा वक्त लीजिए मुझे, बस दीजिए बस, यहाँ पे 8 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा, हासिल आएगा 6,
यहाँ 6 लिखेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे, अब घटेगा ही नहीं तो क्या करिए, आप उल्टा घटाएंगे ना, यहाँ माइनस लगा दीजिए, कितना घटाएंगे, यहाँ पे माइनस उत्तर आएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 14 होगा है ना, 14 में से 8 घटेगा 6 आ जाएगा, और फिर कितना आएगा, यहाँ पे बनाए तो यहाँ बना होगा 5 होगा, यहाँ 15 में 7 घटेगा 8 आएगा, बाकी सब खत्म हो गया, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बना आपके पास, 86। यहाँ 86 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 86 कम है, 86 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 86 कम है, 86 और अगर आ जाए, अगर 86 और आ जाए, 86 में ऐड कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 58 की वर्ग हो जाएगी, 86 और ऐड कर दें 58 का वर्ग हो जाएगा। तो मतलब हमको यह बताना था कि 86 आदमी को और जोड़ दें तो जितने उतने की बात हम पूरा कर पाएंगे, 86 अगर और यहाँ पे ऐड कर दें, 86 को आदमी को और ला दें यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में उतने लोग बैठ पाएंगे जितने की क्या होगी, पंक्तियों की संख्या होगी। तो लोगों कितनी कमी है, 86 लोग कम थे, यहाँ पर 86 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कितने लोग को निकाल देने की बात कहेंगे तो आप कम अंक बाहर ले जाओगे, आपको शेष पर लाना पड़ेगा। अगर आपको कितने लोग को जोड़ने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे कमी को दिखाओगे, और फिर एक अंक ज्यादा ले जाकर आपको कमी दिखाना होगा, तब आपका जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका सवाल का हल, सवाल कुछ इस प्रकार लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको सवालें समझ में आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे मैं कुछ ऐसे सवालों की कड़ी में और अगली सवाल बढ़ाते हुआ आ रहा हूँ आपके साथ। तो अगले सवाल आप सबके सामने है दोस्तों, लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 63/70 है, यदि एक संख्या 63 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन में भी लिखा गया 49, 53 और 69 और 59 लिखा गया है, तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हम लोग लगाने वाले सवाल को। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होने वाला है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पर 63/70 है, एक संख्या क्या है हमारे पास 63 दी गई है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या माना यहाँ पे कुछ कर लीजिए, माना जो दूसरी संख्या थी उसको x मानेंगे, है ना, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है वर्गों का योगफल, यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या क्या होगी मान लीजिए x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में दूसरी संख्या, दूसरी या पहली कुछ भी करो, योग में कुछ सब कुछ चल जाएगा, दूसरी 63 थी मान लीजिए 63 कवर कर देंगे। दो संख्याओं के वर्ग का क्या करना है, योगफल कितना होगा 63 और 63/70 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा, एक प्लस में है, और फिर आगे क्या करेंगे 63 का जो वर्ग, 63 का वर्ग क्या होगा 3 × 9 कर लेंगे, और फिर 6 × 3 = 18, 9 × 36 होगा, और फिर 3 × 6 = 36 = 39 होगा। यहाँ पर 39 = 69 जो होगा आपका 63 का वर्ग होगा, बराबर में लिखा है 63/70 है, इसको पीछे भेज दीजिएगा 75 होगा। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पीछे पॉजिटिव जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 63/70 माइनस में 3969 इतना सा होगा, और फिर एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटाते हैं यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, फिर यहाँ पे आया 0, ठीक, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 आएगा 12, मतलब 3 पूरा वैसे 13 में से 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ बचा 5 में 3 घटेगा 2 24 0 1 आएगा। एक्स का स्क्वायर निकालेगा, यहाँ पे क्या करें दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 2401 का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने का जो भी उत्तर होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसका आंसर एक काम करना होगा, इसका आंसर आप क्या करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सबके लिए छोटा सा टास्क दिया हूँ, तो कुछ इस प्रकार था आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप सबको सवाल समझ में आई होंगी। हम लोग आप सबके CRTS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हम, मैं और सौरभ सर खूब स्ट्रगल कर रहे हैं आप सबके लिए, समय समय पर मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास और ट्रेड थ्योरी की सारी क्लासेस आपको समय में मिल रही हैं। तो आप सबका भी छोटा सा दायित्व बनता है कि आप अपने चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आपका सिलेक्शन ही हम सबका उद्देश्य है। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।